भारत माता की जय। वंदे वंदे कपिल कुंडू अमर रहे अमर रहे, कपिल कुंडू कपिल कुंडू। साथियों बेटा जी, माता जी हमारे बीच पहुंची है, एक बार जोरदार जय घोष के साथ उनका स्वागत करें। भारत माता की, कपिल कुंडू अमर रहे, कपिल कुंडू अमर रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री MS बिट्टा जी, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदा शहीद श्री MS बिट्टा जी ने हौसला अफजाई करी है, इनको यहां आके आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं हार्दिक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा जी, जिस तरह आज तक उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, शहीद परिवारों और हमारी सेनाओं का प्रोत्साहन किया है, उसी रास्ते पर हमारी उंगली पकड़कर हमें भी चलाते रहें और हमें चलना सिखाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हमारे कुंडू जी के माता जी, वो बहादुर जर्नैल, वो बहादुर जवान जितने भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए, मैं उनको हाथ जोड़ के सिर झुकाता हूं। जब शहादत होती है और जब टेलीविजन ऐसी शहादतों को बार बार दिखाता है, तो शहादत जहां होती है, कुंडू जी की होती है या मनदीप सिंह जी की कुरुक्षेत्रा में होती है, और हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति उनको अफसोस करने के लिए पहुंच जाता है। जिंदगी का कड़वा सच और हकीकत बताऊंगा, क्योंकि जीवन तो बहुत छोटे हैं, झूठ जितना मर्जी बोलते रहो, पता हमें भी है हम कितना झूठ सच बोल रहे हैं, हम क्या आप क्या बोलते हैं, हर आदमी को अपना अपना पता होता है। मैं जो अपनी जिंदगी में महसूस करता हूं, ये सब एक दिखावा होता है, मीडिया में आना होता है, फोटो पॉलिटिक्स होती है, फलाना आया था फलाना आया था। कौन पूछता है एक महीने के बाद आप भी चले जाना इनके घर में, मैं भी चले जाऊंगा, दो महीने के बाद पूछ लेना, कोई इनको नहीं मिलने आएगा। और अगर किसी ने को वादा किया हम ये करेंगे, कोई पूरा नहीं करेगा। जो जिंदगी का कड़वा सच है, ये भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना बड़ा आसान है। जो तो बहादुर जवान, उनको पता होगा, हमको क्या पता, हम तो रोज ही भारत माता की जय वंदे मातरम रोज ही लगाते, उस पर उसके असूलों पे हम नहीं चलते। जितनी देर तक हम उन असूलों पे नहीं चल सकते, तो फिर भारत माता की जय वंदे मातरम कहने का हमें कोई वो ताकत नहीं है। बॉडी अभी घर में आती नहीं है, हमारी राजनीतिक लोगों की राजनीति शुरू हो जाती है। हमको कोई लेना देना नहीं उनके परिवार के साथ, हम लोग राजनीति करते हैं। जब बॉडी आती है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आते हैं। ना कोई और मांगता है, वादा किया है तो पूरा करो, परिवारों को जलील मत करो। बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप दो मिनट में DSP की नौकरी दे देते हैं, इंस्पेक्टर की नौकरी दे देते हैं, पर शहीदों के परिवार अगर ये कहता है कि ये मेरी दो बेटियां हैं, मैं मनदीप सिंह की पत्नी कांस्टेबल हूं, मैं MA पास की है, मुझे इंस्पेक्टर बना दो, बना देंगे, कोई नहीं बनाता है। ये कड़वा सच है कि उस मनदीप सिंह की पत्नी का परिवार या मनदीप सिंह की पत्नी कहीं गवर्नर और होम मिनिस्टर को अपनी तकलीफ ना बता दे। ये शहादत जो हम मुख्यमंत्री मंत्री सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इनके घर में जाते हैं, अगर इनकी माता जी को
तीन महीने के बाद चीफ मिनिस्टर या किसी को मिलने का मौका मिले तो कहेंगे माता जी जरा साइड में बैठिए, अभी मिलाते हैं, बैठिए जरा साइड में। यह जिंदगी का हकीकत और कड़वा सच है। मां फिर कहती है कि अगर मेरे परिवार में कोई और है वो भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान करेगा। मैं सबको यही कहना चाहूंगा, जिंदगी का कड़वा सच है। अपने अपने हम रास्तों को बदले, झूठ दिखावा मीडिया पॉलिटिक्स इनको हमें किनारे पे करना होगा, नहीं तो जवान रोज शहादत देते रहेंगे मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए। हम रोज उनके साथ नारे लगाते रहेंगे जब उनकी बॉडी आएगी। हम कब बदलेंगे हमें आपको समझना है, हम कब अपने आप को बदलेंगे, पब्लिक कब अपने आप को बदलेगी कि जब शहादत होगी उनके काफले के साथ नारे लगेंगे, जब तक सूरज चांद लगेगा कुंडू तेरा नाम रहेगा। दो महीने के बाद कहां, मुझे कोई है हकीकत तो बता दे। हमारे पंजाब के अंदर एक जवान शहीद हुआ, उसके भी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह नीचे उतरे हेलीकॉप्टर से, परिवार को मिलकर डिप्टी कमिश्नर को पूछा, डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं 1982 का ऑपरेशन मेघदूत और उसमें 19 साल का बच्चे। हमारा बड़ा भाई बड़ी बेटी स्कूल में पढ़ रही थी, अनूप की तो डेड बॉडी भी नहीं लौटी। उस परिवार से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो तहसीलदार कुंडू जी की माता जी जब जब बड़ी होगी मैं भली भांति समझती हूँ, क्योंकि इसी दर्द को 1982 के ऑपरेशन मेघदूत में हमारे परिवार ने देखा है। हमारी बूढ़ी माता घर में आज भी अनूप भाई को याद करती है और उस चित्र को निहारती है। अनूप की उम्र क्या थी, 19 साल। अनूप हमारे मुझे ये बताओ जाके कैबिनेट में फैसला कर, मेरे परिवार का बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा भाई है, उस दर्द को हम लोग समझते हैं। उत्तराखंड की उस धरती से हूँ जहाँ हर घर से सैनिक निकलता है, हर घर में शहीद होता है, तो ये भावनाएं हमारे लिए कोई नई नहीं है, दिलों में रची बसी है, लहू में दौड़ रही है। आज के स्वागत सम्मान के लिए अब मैं अपने अवार्डीज को आमंत्रित करूंगी। कितने ये दो छोटे बच्चे जब बड़े होंगे इनको फौज में कराऊंगा। मैं इन बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं। मैंने कहा सरकार ने कुछ आपकी सहायता के लिए कोई मदद किया, कहते 5,000 लकड़ों का संस्कार के लिए एसडीएम साहब दे गए थे और संस्कार हमने कर दिया। उस वक्त डेड बॉडी की कीमत, शहादत की कीमत 70,000 लगाई जाती थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं दिल्ली लौटा, सब घरों में जाकर के जितना मैं घूम सकता था अपने शरीर पे लोहे के सहारे घूमता हूं, जितना घूम सकता था मैं घूम करके एक फंक्शन बड़ा किया विज्ञान भवन में, पर फैमिली 2,00,000। 2,00,000 कीमत नहीं, पैसे क्या है इनके लिए, 2,00,000 सिर्फ हिंदुस्तान की सरकारों को जगाने के लिए शहादतों का अपमान नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अखबारों में बार बार कहा, जहां जहां शहादतें हुई घरों में गया, मैं कहा बंसीलाल जी आपकी सरकार नहीं रहेगी, शहीदों का अपमान है। पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई, कुछ दिन के बाद सरकार चली गई। चौटाला साहब कहीं बैठे थे, किसी अफसोस करने रोहतक में आए थे, उन्होंने कहा बिट्टा जी अगर मैं कहीं सरकार में आया, कोई सरकार में आने का चर्चा ही नहीं था, मैं इन परिवारों को देखूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। बंसीलाल की सरकार गई, चौटाला जी आए, सीधा फोन उनको किया, असेंबली के निकल रहे थे, हाँ कहते बड़ा अच्छा किया, याद करा दिया, 25-25 लाख का ऐलान किया और कोई जमीन का अलॉटमेंट का काम किया। आज कहाँ भी चौटाला साहब हैं, पर शहीदों के लिए वादा किया उन्होंने पूरा किया।
पार्टी के सैनिक मंच की ओर बढ़ते हुए पब्लिक की सुरक्षा का सम्मान का वचन देते हुए एसीपी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति पधारे, लक्ष्मी नारायण जी, शिक्षाविद संजय सिंह जी, राजकिशोर मुन्ने पिताजी, श्री उमेश सिंह गुसाई जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उमेश सिंह गुसाई जी, कृपया आप भी मंच पर आए, आज मुझे वो वक्त मिला है बोलने के लिए। आराम से।